दोस्तों आज मैं फिर एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा रबी, जायक, खरीफ और नकदी जो कि बहुत आईएमपी है, इन सभी फसलों को याद करने की बहुत मजेदार ट्रिक, एक बहुत अनोखी ट्रिक। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर। देखिए जायद की फसलें पहले हम देख लेते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ और फिर इनको याद करने की बहुत अनोखी ट्रिक बताऊँगा आपको। देखिए जायद की फसलें जो है यह मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, पहली इसकी इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, जायद की फसलें आप देख सकते हैं तरबूज है, उड़द है, खीरा है, खरबूजा, ककड़ी, राई, मूंग। अब इसको याद करने की ट्रिक आप देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है। ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। देखिए ता से जो इसका ता है, ता से आपको याद रखना है तरबूज, उसे आपको उड़द याद रखना है, खीरा में आपको खीरा से खीरा याद रखना है, फिर आता है खा, इस खाकर में खा से खरबूजा, का से ककड़ी और रा से राई और फिर माँ से आपको याद रखना है मूंग। ठीक है, तो ताऊ खीरा खाकर मरे, तो इससे आप ये आसानी से याद रख सकते हैं कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिर अगला है हमारा खरीफ की फसलें। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, और जो कि इस प्रकार हैं अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन, जो कि फसलें हैं खरीफ की फसलें। अब हम इनको याद कैसे रखें वो ट्रिक देख लीजिए आप। ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। इस लाइन से आप खरीफ की फसलें बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। आप देख सकते हैं आप जो अरे है, अर से आपको याद रखना है अरहर, गधा में आपको गा से याद रखना है गन्ना और धा से आपको याद रखना है धान। अब बाजरा में बा से आपको याद रखना है बाजरा, जा से आपको याद रखना है ज्वार। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर। उसके बाद माँ से आपको याद रखना है मक्का और ता से आपको याद रखना है तिलहन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं अरे गधा बाजा मत बजा। तो इस प्रकार से आप सारी खरीफ की फसलों को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट फसल देख लेते हैं हमारी। देखिए अगली आती है हमारी नकदी फसल। अब नकदी फसल के बारे में आपने शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना हो। नकदी फसल वो फसल होती हैं वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती हैं। ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से जो फसलें की जाती हैं उनको हम नकदी फसल कहते हैं, जो कि इस प्रकार है कपास है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू। आप सभी जानते हैं इनकी व्यापार होता है इनका, इन सभी फसलों का। तो वो फसल जो किसान व्यापार के लिए उगाते हैं उनको नकदी फसल कहते हैं। तो हम इनको याद करने की ट्रिक आप देख लीजिए। ट्रिक है कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, का से आपको याद रखना है कपास, गा से आपको याद रखना है गन्ना और जा से आपको याद रखना है जूट और तंबाकू से तंबाकू। तो इस प्रकार से आप सारी नकदी फसलें बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगला हम ना जो हमारी लास्ट है, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है हमारी रबी की फसलें। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए आप। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो जो कि इस प्रकार हैं आलू है, जौ है, सरसों है, चना, राई, गेहूं, मटर। तो ये सारी हमारी रबी की फसलें हैं। अब इनको याद कैसे रखें, तो याद रखने की बहुत आसान और मज़ेदार ट्रिक है। आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। तो इस लाइन से आप बहुत आसानी से नहीं याद रख पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, आज से आपको याद रखना है आलू, जा से जौ और सच में सा से सरसों याद रख पाएंगे आप, चा से चना याद रख पाएंगे और राई से पूरा राई याद रख पाएंगे, गेहूं में गा से आपको याद रखना है गेहूं और माँ से आपको याद रखना है मटर। और जो काले वर्ड लिखे हुए हैं जैसे मैं, ये भी मैं और ये खेला, तो ये आपको सिर्फ इस लाइन को याद रखने के लिए लगाए गए हैं, इनको आपको साइलेंट रखना है, इनसे कोई हमारी ट्रिक से लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी चार फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें और नकदी फसलें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ट्रिक याद हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।